जैसे ही आप मदरसे में दाखिल होंगे तो सबसे पहले यह शानदार और ख़ूबसूरत सफ़ेद इमारत आपको नज़र आएगी। ये हिफ्स के तलबा और इसी तरह तजवीद के जो तलबा हैं उनके लिए बनाई गई ये इमारत है। यहाँ पर उनकी क्लासेस चलते ये हैं। मेहमान खाना है और आने वाले मेहमानों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकराम किया जाता है और बहुत ही दिल खोल कर यहाँ पर मेहमान नवाजी की जाती है और अंदर बहुत ही शानदार यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। जो भी इमारत आपको नज़र आ रही है ये शोबे आलिमियत के तलबा के क्लासेस हैं। यहाँ पर शोबे आलिमियत के क्लासेस चलते हैं और इसी तरीके से उनकी क़ियामगाह भी है यानी हॉस्टल भी है। यहाँ पर तलबा के लिए खाना बनाया जाता है। देखें खाना बनाने वाले किस तरह हांडियाँ इधर से उधर कर रहे हैं और लकड़ियाँ पड़े हुए हैं, चूल्हा जल रहा है और इसी तरीके से जो भी वो कर रहे हैं उनका जो काम है उस काम में वो लगे हुए हैं। और देखें यहाँ पर प्याज काटी जा रही है खाना बनाने के लिए। तो बहरहाल ये मतबख है, बहुत बड़ा मतबख है ये। और इसी तरह इसमें जलाने वाली जो लकड़ियाँ हैं देखें बाहर सहन में पड़ी हुई हैं, बहुत सारी लकड़ियाँ हैं तो ऐसा लगता है कि चूल्हे पर ही ज़्यादा पकाना होता है। हॉस्टल के ऊपर लाइब्रेरी है, जो नई लाइब्रेरी बनाई जा रही है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, शेखुल हदीस लाइब्रेरी इस लाइब्रेरी का नाम है और ये भी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी बनाई जा रही है। ये इस मदरसे की मस्जिद है, काफ़ी शानदार मस्जिद है ये मस्जिद भी। शोबे आलिमियत के तमाम क्लासेस और ये हॉस्टल्स हैं माशाल्लाह। देखिए मस्जिद यहाँ से और भी खूबसूरत अंदाज में नज़र आ रही है और मस्जिद के पीछे जो इमारत है ये हिफ्स के तलबा की इमारत है। मदरसा इतना बड़ा है कि एक वक्त में पूरे मदरसे को मोबाइल में मैं नहीं बता सक रहा हूँ, इतना बड़ा ये मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नजर बस इस मदरसे की इस इदारे की हिफाजत फरमाए। देखिए जहाँ तक निगाहें जाती है बिल्डिंग ही बिल्डिंग आपको नज़र आएंगे और ये सारी की सारी बिल्डिंग मदरसे ही की है और अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है मदरसा। ये लड़कियों की स्कूल है, मदरसे के अंडर में एक स्कूल भी चलता है, पहली क्लास से लेकर 10वीं तक मुस्तकिल लड़कियों का एक अलग ही इन्होंने एक इदारा कायम कर रखा है। और ये जो हरी भरी जो जगह नज़र आ रही है ये भी मदरसे की है और ये स्कूल भी मदरसे की है। जो गाड़ी वहाँ से निकल रही है स्कूल से वो भी गाड़ी मदरसे की है, खुद गाड़ी जाती है गांव में बच्चियों को लाती है और फिर स्कूल छूटने के बाद बच्चियों को घर भी छोड़कर आती है, बहुत मुस्तकिल इन्होंने। और ये रहा प्ले ग्राउंड, बच्चों के खेलने का ग्राउंड, यहाँ पर मुस्तकिल बच्चे दौड़ का मुकाबला करते हैं और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे खेल खेलते हैं जिससे सेहत बनती है। जमीयत उलमा की तरफ से जो भारत स्कॉट चलाया जा रहा है मुल्क भर में वो स्कॉट भी यहाँ पर चलता है। इसमें जो चौक इमारत आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटी बच्चियाँ जिनकी उम्र 10 साल से कम की है उन बच्चियों के लिए यहाँ पर स्कूल चलता है, प्राइमरी स्कूल। ये इस मदरसे का एक शानदार मेहमान खाना है, देखिए अहलम वसहला मरहबा लिखा हुआ है यानी वेलकम लिखा हुआ है और इसके अंदर बहुत सारे आजू बाजू में बहुत सारे शानदार किस्म के कमरे बने हुए हैं।